सर मतदान शुरू हुए आधा समय बीत गया है, क्या कहेंगे, कैसा उत्साह? देखिए पूजा जी, सुबह 6 बजे से लोग लाइनों में खड़े हो गए थे। मैंने अपने जीवन में 7-8 चुनाव लड़े, लेकिन जैसा जोश और उत्साह 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं लोगों का देख रहा हूँ, मैंने कभी अपने जीवन में देखा। महिला हूँ पुरुष हूँ, लंबी लंबी कतारें, पसीना बहा रहे हैं, और सबका यही कहना है ये पसीना देश के काम आएगा। सर आप पिछले लंबे समय से जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, तो लग रहा है जिस तरह से मतदान को लेकर जागरूक किया था, खासकर शहरी क्षेत्र में अपेक्षा से ज्यादा मतदान होगा? निश्चित तौर पर अपेक्षा से ज्यादा हो रहा है, और लोग देश के लिए इस बार पसीना बहा रहे हैं, गर्मी में वोट डालने आ रहे हैं। मैंने देखा 90-95 साल की महिलाएं व्हील चेयर पे आ रही है वोट डालने के लिए, वो कहता है कुछ। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में सर क्या समस्या है कि कितना मत प्रतिशत रहने वाला है? देखिए ये तो अब शाम को 6 बजे के बाद पता चलेगा, लेकिन अच्छा मत प्रतिशत होगा और एक तरफा होगा। आप सर लोगों के बीच में भी गए पिछली बार के चुनावों में और इस बार के चुनावों में, क्या अंतर नजर आया? मैं समझता हूँ, मुझे तो 2019 से भी ज्यादा लोगों का रुझान मोदी के प्रति लग रहा है, देश के प्रति लग रहा है। पहले से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी और मोदी जी भी पहले से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 लाख पार का नारा दिया था सर, लग रहा है निश्चित तौर पर मेरे पे पूरे लोकसभा की खबर है। जिस तरह का पोलिंग हो रहा है और जिस तरह का रुझान है, आप खुद देख लीजिए। सर आज वोट दिया है, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, और मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया है आपने? देखिए ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। हम सब पूरे समय ऐसी सरकार चुने जो देश के लिए सशक्त कर सके, इसलिए अपने अधिकार का जरूर प्रयोग करें। और मैं बहुत ही ये मतदान केंद्रों पे मुझे जाने का मौका मिला है, बहुत लोगों में उत्साह है बड़ी तेजी से, और सब अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित ही हमें लगता है कि जो आज माहौल है वो भाजपा के पक्ष में है, और मुझे लगता है आने वाली तीसरी जो सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। सर प्रशासन ने दावे किए थे कि गर्मी को लेकर इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण हमने किया, लोग BLO के व्यवहार से नाखुश होकर कई लोग बैरंग भी लौट गए बिना वोट किए। गर्मी को लेकर कोई इंतजाम, पानी को लेकर इंतजाम नाकाफी है, तो क्या कहेंगे, इससे वोट पर फर्क पड़ सकता है? देखिए आप बिल्कुल ठीक आपने मुद्दा चुना है, पर देखिए हमारी कोशिश है, हमारे सभी कार्यकर्ता बगैर ये भेदभाव किए कि किसको वोट देगा, हमारे कार्यकर्ता पानी का पूरा इंतजाम कर रखे हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि गर्मी तो वाकई में है, कई जगह बूथों की जो एलोकेशन की है वो बहुत नज़दीक होने की वजह से भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि उत्साह भी लोगों में वोट देने के लिए ज़्यादा है। पर यह ऐसा महापर्व है, इसमें हम लोग अपने एक दिन के जो कष्ट है उसको भी झेल कर इस देश के लिए लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। नैनपाल जी वोट देकर आए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं और क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? देखिए मैं अपना वोट देकर के आया हूँ, और क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, हम सभी को इस पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल, अपना वोट जरूर डालना चाहिए। और बड़ी भारी उत्साह है लोगों में जो देखने को मिल रहा है, और मैं भी आज अपने गांव पैतृक गांव असावटी में ये वोट डाल करके निकला हूँ, और लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, सभी अपने घरों से निकलें, और चाहे गर्मी है, मैं कहता हूँ रिकॉर्ड तौर गर्मी है, और एक दिन के लिए गर्मी सह लें, प्यास सह लें, भूख सह लें, लेकिन वोट का अधिकार आपका है, इसको जरूर इस्तेमाल करें, वोट दें, राष्ट्रहित के लिए वोट का प्रयोग करें। लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं सर? देखिए लोगों में पूरा उत्साह है, माता बहन बुजुर्ग सभी लाइनों में लगे हुए हैं, और मैं पूरे क्षेत्र का भी लगभग 10 गांवों का दौरा कर चुका हूँ, सभी जगह लोग अपने अपने मत का अधिकार देने के लिए आतुर हैं, मत का प्रयोग करने के लिए आतुर हैं, और सभी जगह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। विपुल जी आज परिवार सहित वोट दिया है, क्या अपील लोगों से करेंगे? मैं लोगों से ये अपील करूंगा, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें गर्मी ना देखें, यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम है, पानी की भी व्यवस्था है, और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से मतदान हो रहा है। गर्मी इस लोकतंत्र के पर्व पर भारी जो है, लोकतंत्र का पर्व इस पर भारी पड़ना चाहिए, और लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और व्यक्ति हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि मैं देश को राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना मत जरूर दूंगा, मतदान के अंदर भाग लें।
शहरी क्षेत्र में जितनी अपेक्षा थी उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं उत्साहित होकर, क्या कहेंगे इसे, किस तरह से देखते हैं सर? तो जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से मतदान की संख्या शहरी क्षेत्र में बढ़ रही है, आप समझ सकते हो कि इनका क्या मन है, लोगों का क्या दिल है, और लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये देश किसके हाथों में सुरक्षित है। 5.5 घंटे सर बीत चुके हैं मतदान को लेकर, क्या लगता है कितना प्रतिशत मत प्रतिशत रहेगा फरीदाबाद? मुझे लगता है फरीदाबाद के अंदर अच्छा खासा मत प्रतिशत रहेगा, ये मत प्रतिशत 70% के आसपास यहाँ पर पहुंच